राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है। सियासी घमासान देखने को मिल रहा है राजस्थान में, तो वहीं आज हम बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहू हिमांशी के बारे में, यानी अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी के बारे में, यानी अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी के बारे में। हिमांशी की वैभव से साल 2005 में शादी हुई थी, यानी साल 2005 में हिमांशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहू बनी। हिमांशी ने राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत से राजनीति तो नहीं सीखी, लेकिन जो सीखा उसके बारे में खुलकर कहती हैं। हिमांशी कहती हैं कि मैंने पापा जी से तीन बातें सीखी हैं, जीवन में सब्र रखना, इंतजार करना और शांति बनाए रखना। वो कहती हैं कि यदि इन तीन बातों को जीवन में उतार लिया जाए तो ईश्वर हमेशा मेहरबान रहते हैं। हिमांशी डीडवाना निवासी कमलेश कुमार की बेटी हैं। हिमांशी राजनीति से अलग हटकर अपने सोशल वर्क के लिए खास पहचान रखती हैं। इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के जरिए हिमांशी कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद करती हैं। हिमांशी कैंसर के ट्रीटमेंट के चलते अपने बाल गंवा चुकी लड़कियों के लिए हेयर डोनेशन कैंप के चलते चर्चा में रहीं। वैभव गहलोत और हिमांशी की बेटी का नाम काश्विनी है। हिमांशी की बेटी काश्विनी ने भी इस कैंपेन के चलते अपने बाल डोनेट किए। वैभव की साली यानी हिमांशी की बहन गरिमा पवार आईएएस अफसर है। गरिमा पवार यानी हिमांशी की बहन ने यूपीएससी साल 2017 एग्जाम दिया था, उसकी 212वीं रैंक बनी थी। हिमांशी चित्रकारी में भी अपनी खास पहचान रखती है। बीते साल एक तस्वीर हिमांशी ने फेसबुक पर शेयर करते हुए लिखा था कि कैसे उन्होंने जाल में फंसे दो पक्षियों को बचाया। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त हुई है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। SPN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।